हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास सेवेंथ का सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है अब्दुल बिकम्स अ कॉर्टियर। अब ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये चैप्टर स्पेशल चैप्टर है क्योंकि ये एक अलग टाइप का चैप्टर है जो कि एक डायलॉग राइटिंग में लिखा हुआ है। डायलॉग राइटिंग में यानी जब दो या तीन से ज़्यादा लोग आपस में बात करते हैं, और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक प्ले जैसा एक चैप्टर है जहाँ पे एक्ट हो रहा है, जिसमें है अब्दुल। और यहाँ पे फर्स्ट जो प्ले है यानी कि जो डायलॉग्स है जो प्ले है उसमें अब्दुल और उसके फादर के बीच में है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कॉर्टियर का मीनिंग मैं बता दूँ। कॉर्टियर यानी कि जो किंग और क्वीन का जो एडवाइज़र होता है उसे कहते हैं हम कॉर्टियर, यानी कि जो किंग और क्वीन को एडवाइस करता है कि उनके किंगडम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो उन्हें एडवाइस देता है उसे कहते हैं हम कॉर्टियर। अब इस वीडियो में यानी कि इस चैप्टर में मैंने जो भी हार्ड वर्ड्स है उसे अंडरलाइन करके उसके मीनिंग्स ऊपर लिख दिए हैं, तो ताकि आपको भी इजी पड़े उसका मीनिंग समझने और आप भी आपके बुक में लिख सके उसके मीनिंग्स। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब्दुल बिकम्स अ कॉर्टियर। तो फादर हु इज अ स्कूल मास्टर इज गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल, यानी अब्दुल के जो फादर है वो एक स्कूल टीचर है और वो रेडी हो रहे स्कूल जाने के लिए। अब्दुल यानी कि अब्दुल कहता है फादर टू नॉलेज एंड एरोडिकेशन, एरोडिकेशन यानी कि लर्निंग पढ़ना, आई एस्पायर टू स्टडी हार्ड एंड डीप, बुक्स आई रिक्वायर, विल यू लेंड मी अ लिटिल गोल्ड, बुक्स आई विल बाय एंड स्टडी टू रेज हाई इन द वर्ल्ड। यानी कि अब्दुल उसके फादर को कहता है कि फादर मुझे नॉलेज गेन करने के लिए और पढ़ने के लिए कुछ बुक्स चाहिए, टू स्टडी हार्ड एंड डीप, मुझे बहुत ही मेहनत से और बहुत गहराई में नॉलेज एक्वायर करना है, उसके लिए मुझे बुक्स रिक्वायर है। विल यू लेंड मी लिटिल गोल्ड, यानी कि क्या मुझे आप थोड़ा गोल्ड दे सकते हो, थोड़ा उधार दे सकते हो गोल्ड, बुक्स आई विल बाय एंड स्टडी टू रेज हाई इन द वर्ल्ड, वो गोल्ड से मैं बुक्स खरीदूंगा और पढ़ूंगा ताकि मैं दुनिया में ऊंचे पैगाम पे पहुंच सकूं, यानी कि बहुत रेज हाई इन द वर्ल्ड यानी कि स्कॉलर बन सके और अपना दुनिया में पैगाम बनाए, यानी कि स्कॉलर बने वो। ठीक है, फादर यानी कि अब्दुल के फादर कहते हैं कि ओनली द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ हैज पास्ड, यानी कि अब तो ये महीने का सिर्फ आधा महीना ही गुजरा है। बट अलास यानी कि हाई, ये अलास एक एक्सप्रेशन है। बट अलास द मनी डजंट लास्ट, यानी कि क्या कहते हैं, अरे लेकिन पैसा नहीं बचा। ग्रेट बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि हैंड रिटन बुक्स आर सो एक्सपेंसिव। हैंड रिटन बुक्स पहले के ज़माने में हैंड रिटन बुक्स ही होते थे मोस्टली, तो बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कि कॉस्टली बहुत ही महंगे मिलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि हैंड रिटन बुक्स। दे आर ट्रेजर रेयर एंड एक्सक्लूसिव एंड रेयर यानी कि बहुत ही कम, रेयर यानी कि बहुत ही कम, और एक्सक्लूसिव यानी कि स्पेशल। ठीक है, वो बहुत ही मैन्यूस्क्रिप्ट ग्रेट बुक्स यानी कि जो अब्दुल को रिक्वायर था पढ़ने के लिए, वो बहुत ही रेयर है और स्पेशल है, और वो एक ट्रेजर की तरह है, यानी कि गोल्ड जैसे हमारे पहले के ज़माने में गोल्ड तो कॉमन था, लेकिन डायमंड एंड दूसरे जो ट्रेजर्स थे वो रेयर थे। वहाँ तभी के ज़माने में जो रेयर थे, बुक यहाँ पे वैसे ही बताया कि यहाँ पे ट्रेजर जो है उसको बुक को कंपेयर किया है। ठीक है, बुक कैसा है, ट्रेजर है, रेयर है और एक्सक्लूसिव है। ठीक है, यानी कि वो बहुत ही रेयर मिलता है। बट फ्रॉम माई स्कूल आई विल ट्राई टू बोरो, यानी कि वो फादर क्या कहते हैं कि मैं ट्राई करूंगा मेरे स्कूल से कुछ बुक्स लेके आने के लिए, बुक्स दैट विल टेक यू टू अ ब्राइटर टुमारो, ऐसे बुक्स जो लाऊंगा जो तुम्हारे भविष्य को उज्ज्वल बनाए। ब्राइटर टुमारो यानी कि अच्छा आपका फ्यूचर यानी कि अब्दुल का फ्यूचर ब्राइट हो सके, ऐसे बुक्स फादर प्रॉमिस कर रहे हो लेके आएंगे अब्दुल को। तो अब्दुल क्या कहता है, दैट विल बी ग्रेट, हाउ ईगरली आई वेट, यानी कि बहुत अच्छी बात है, ईगरली यानी कि एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इन द इवनिंग व्हेन फादर रिटर्न्स,
यानी कि शाम में जब अब्दुल के फादर रिटर्न आते हैं घर पे, तो अब्दुल पूछता है, हाउ मेनी बुक्स कुड यू गेट, ओ नाउ माई लाइफ विल ऑल सेट। यानी कि अब्दुल पूछता है अपने पापा को, पापा आपने कितने बुक्स लेके आए, अब पढ़ के मैं इसे मैं मेरा लाइफ सेट कर लूंगा। ठीक है, अब फादर यहाँ पे क्या कहते हैं कि आई एम सो सॉरी सन, कुडंट ले माई हैंड्स ऑन इवन वन। यानी कि फादर क्या कहते हैं अब्दुल को, आई एम सॉरी सन, यानी कि मुझे माफ करो बेटा, मैं एक भी बुक नहीं ले पाया, कुडंट ले माई हैंड्स ऑन इवन वन, यानी कि मैं एक भी बुक आपके लिए नहीं लेके आ सका। कोरस, कोरस यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक। ठीक है, बैकग्राउंड में या तो कोई एक साथ पीपल खड़े रहेंगे, वो एक साथ कोरस में, कोरस यानी कि एक साथ बैकग्राउंड में कह रहे हैं कि पुअर अब्दुल यानी कि बेचारा, पुअर यानी कि बेचारा। ठीक है, पुअर इंग्लिश में होता है बेचारा। पुअर अब्दुल इज सैड एंड डिजेक्टेड, डिजेक्टेड यानी कि डिप्रेस्ड। अब्दुल कैसा है, सैड है और डिप्रेस्ड है। पॉन्डर्स, वाई माई विशेस आर दस रिजेक्टेड, यानी कि अब्दुल सोच रहा है कि वाई माई विशेस आर दस रिजेक्टेड। कंटिन्यूज टू डू हिज डेली कोर्स, रीड बोरोड बुक्स इन टेंस एंड स्कोर्स। टेंस एंड स्कोर्स यानी कि 20। ठीक है, 10 बुक यानी कि उसे डेली पढ़ने के लिए वो हमेशा किसी ना किसी से तो 10-20 बुक मांगता ही है। एन आइडिया देन क्रॉसेस हिज माइंड, यानी कि अब अब्दुल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि टू सर्व रिच एंड गेट पेड इन काइंड, यानी कि किसी अमीर का सर्व करना यानी उसके लिए काम करना और गेट पेड इन काइंड। पेड इन काइंड यानी कि पेमेंट इन सर्विस, यानी कि देखो यहाँ पे दिया है इन काइंड यानी कि पेमेंट गिवन इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड नॉट मनी। यानी कि उसे वो जब कोई रिच इंसान को सर्व करेगा वो बदले में उसे पैसा नहीं लेगा, उसे सर्विस चार्ज करेगा, यानी कि जो भी उसे ज़रूरत होगी अब्दुल को वो उससे चार्ज करेगा, किसके बदले, मनी के बदले। ठीक है, देखो यहाँ पे मीनिंग्स नीचे दिया है। इरोडिकेशन यानी लर्निंग, स्कॉलरली वर्क। स्कैर्स यानी कि सेट ऑफ 20, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ये स्कोर्स है, ये स्कैर्स है, दोनों का मीनिंग एक ही है। इन काइंड यानी कि इन काइंड, मैंने अभी आपको बताया इन काइंड का मतलब। तो अब देखते आगे। अब्दुल अप्रोचेस अ रिच मर्चेंट, यानी कि अब्दुल एक मर्चेंट के पास पहुंचता है। मर्चेंट यानी कि एक बिजनेसमैन, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बिजनेसमैन, जो बिजनेस करता है। ठीक है, अब्दुल अप्रोचेस अ रिच बिजनेसमैन यानी कि मर्चेंट। अब्दुल वो मर्चेंट से कहता है, आई एम अ पुअर स्टूडेंट, गिव मी अ चांस टू सर्व, ऑब्जर्व माई वर्क, पे ओनली वॉट आई डिजर्व। यानी अब्दुल वो मर्चेंट को कहता है, मैं एक पुअर स्टूडेंट हूँ, मुझे एक चांस दो आपके लिए काम करने के लिए, टू सर्व यानी कि टू वर्क, टू सर्व यानी कि टू वर्क, आपके लिए मुझे एक चांस दो, मैं आपके लिए काम करूँ, आप ऑब्जर्व माई वर्क यानी कि मुझे ऑब्जर्व कीजिए मैं कैसे काम करता हूँ, पे ओनली वॉट आई डिजर्व यानी कि आपके जैसा जो मैं डिजर्व करूंगा, जैसा मैं काम करूंगा वैसे ही मुझे पे करना। मर्चेंट कहता है, यू अपियर टू बी स्मार्ट, यानी कि तुम दिखने में तो बहुत स्मार्ट हो, बी माई क्लर्क, क्लर्क यानी कि अ पर्सन हु वर्क्स और कीप रिकॉर्ड। ठीक है, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो रिकॉर्ड बनाए रखते हैं उनके ऑफिस का, उसे क्लर्क कहते हैं। तुम मर्चेंट क्या कहता है, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुम मेरे क्लर्क बन जाओ, आई विल पे यू वेल इफ ऑनेस्टली यू वर्क। यानी मर्चेंट क्या कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा अच्छा पे करूंगा यानी अच्छा सैलरी दूंगा अगर तुम ऑनेस्टली वो काम को करोगे। ठीक है, सम डेज पास द मर्चेंट कॉल्स अब्दुल, यानी कि कुछ दिनों बाद मर्चेंट अब्दुल को बुलाता है और मर्चेंट कहता है आई एम प्लीज्ड विथ योर वर्क एंड लविंग केयर, यानी कि मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगा, लविंगली केयर यानी कि बहुत ही अच्छा लगा। यू आर एन इंडीड अ जेम क्वाइट रेयर, इंडीड अ जेम यानी कि अब्दुल जो काम करता है वो एक जेम से कंपेयर किया उसने, जो कि रेयर होता है, वैसे ही तुम बहुत ही रेयर हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। जैसे इसका मतलब है तुम यानी अब्दुल जैसा काम करता है वैसा कोई भी नहीं करता। यू आर इंडीड अ जेम क्वाइट रेयर, यानी कि तुम एक जेम की तरह हो, बहुत ही रेयर। ठीक है,
आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड इफ यू डिमांड इज फेयर, यानी कि मर्चेंट क्या कह रहा है, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, यानी कि वो उसे सैलरी देगा, आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड इफ यू डिमांड, इफ यूर डिमांड इज फेयर, यानी कि अगर तुम सही तरीके से डिमांड करोगे तो ही मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है, अब्दुल एक्साइटेड, अब्दुल क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। मे आई नाउ रीड द बुक्स इन योर स्टोर, यानी कि अब मर्चेंट का स्टोर कौन सा था, एक बुक स्टोर था। मे आई नाउ रीड द बुक्स इन योर स्टोर, योर स्टोर यानी कि अब्दुल क्या कहता है कि मैं तुम्हारे स्टोर के जो बुक्स है उसे पढ़ सकता हूँ क्या। क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज, यानी सेटिस्फाई उस, क्वेंच यानी कि सेटिस्फाई, सेटिस्फैक्शन मिलना। ठीक है, क्वेंच यानी कि सेटिस्फैक्शन मिलना, सेटिस्फाई माई थर्स्ट फॉर नॉलेज। अब्दुल क्या कह रहा है मर्चेंट को कि मेरे मुझे जो ज्ञान चाहिए, उसकी जो प्यास है मुझे, वो आप बुझाओ, आपके बुक स्टोर से मुझे पढ़ने दो। ठीक है, आई नीड नथिंग मोर, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस इतना ही चाहिए कि मुझे आपके स्टोर में बुक्स पढ़ने दो। ठीक है, कोरस यानी कि बैकग्राउंड में कुछ लोग कह रहे हैं, डे पास्ट बाय, कुछ दिन जाते रहे, ही लर्न एंड लर्न, अब्दुल पढ़ता रहा, गेनिंग द नॉलेज फॉर विच ही यर्न फिलोसफी, यानी उसने नॉलेज गेन किया किस में, फिलोसफी में, एस्ट्रोनॉमी में, अरेबिक एंड पर्शियन, अरेबिक एंड पर्शियन एक लैंग्वेज है। अब्दुल द स्कॉलर नाउ इज वन इन अ मिलियन, यानी कि अब्दुल जैसा कोई नहीं है, लाखों करोड़ों में अब्दुल एक है। अब्दुल द स्कॉलर नाउ इज वन इन अ मिलियन, लाखों करोड़ों में अब्दुल एक है क्योंकि वो अब स्कॉलर बन चुका है। विल ही कम टू द एम्परर्स नोटिस, एम्परर यानी कि किंग, एम्परर यानी कि किंग, वहां के जो राजा थे। विल ही बी गिवन एन ऑनरेबल ऑफिस, क्या उसे एक इज्जतदार ऑफिस दिया जाएगा, ऐसा कोरस में पीछे बैकग्राउंड में कह रहे हैं। अब अब्दुल का फ्रेंड आता है और कहता है, न्यूज फॉर यू अब्दुल, तुम्हारे लिए खबर है, द एम्परर हैज आंसर्ड योर प्रेयर। यहाँ पे क्या कहता है फ्रेंड, द एम्परर हैज आंसर्ड योर प्रेयर, यहाँ पे प्रेयर यानी कि क्या, रिक्वेस्ट, जो कि अब्दुल ने किसको भेजा था, एम्परर को भेजा था। द रॉयल मुर्गी खाना इज नाउ अंडर योर केयर, वो फ्रेंड आके क्या कहता है अब्दुल को, अब्दुल तुम्हारे लिए एक खबर है कि तुमने जो रिक्वेस्ट भेजी थी एम्परर को, उनका रिप्लाई आया है कि जो वो उनका जो रॉयल मुर्गी खाना है वो अब तुम्हारे अंडर है। ठीक है, अब तुम्हें वो मुर्गी खाना का देखभाल करना है। तो अब्दुल कहता है, वॉट द मुर्गी खाना फॉर मी अ स्कॉलर, तो अब्दुल क्या कहता है, क्या एक मुर्गी खाना मेरे लिए, एक स्कॉलर के लिए, इंटेलेक्चुअल, सगेशियस यानी कि वाइस यानी कि काइंड, अस्यूट यानी कि इंटेलिजेंट, देखो यहाँ पे दिया है अस्यूट का मीनिंग, अस्यूट इंटेलिजेंट, वन हु नोज हाउ टू यूज अ सिचुएशन टू हिज एडवांटेज, यानी कि वो सिचुएशन को कैसे यूज करे तो उसका एडवांटेज उसे मिलेगा, उसे इंटेलिजेंट पर्सन कहते हैं हमें, सगेशियस यानी कि वाइस। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे बताया था प्रेयर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, यहाँ पे भी लिखा है हियर इट मीन्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लर्क का मीनिंग भी दिया है, अ पर्सन हु कीप्स रिकॉर्ड, ऑफिस यानी कि एक पोजीशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक पर्सन को मिलती है जो ऑफिस में काम करता है। अब यहाँ पे देखते हैं, व्हाट द मुर्गी खाना फॉर मी अ स्कॉलर इंटेलेक्चुअल सगेशियस अस्यूट मेड अ पोल्ट्री कीपर, यानी कि अब्दुल यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या एक मुर्गी खाना जो एक जो मुझे दिया है, जो मैं एक स्कॉलर हूँ, इंटेलिजेंट पर्सन हूँ, वाइज पर्सन हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, उसे मुझे एक पोल्ट्री कीपर बना दिया, नेवर माइंड यानी कि कोई बात नहीं, द चांस आई वोंट रिफ्यूज, ये चांस मैं जाने नहीं दूंगा, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आई विल पुट इट टू अ गुड यूज, यानी कि ये अपॉर्चुनिटी को मैं पॉजिटिवली लूंगा और अच्छा काम करूंगा। आगे बढ़ते हैं, कोरस यानी कि बैकग्राउंड में क्या कहता है कि अब्दुल वर्क्ड विद कन्विक्शन, कन्विक्शन यानी बिलीव, एक बिलीव के साथ, जील, जील यानी एंथुजियाज्म, बहुत ही पावरफुल एंड पैशन के साथ वहाँ पे काम कर रहा था। दी हैंड्स वर गिवन, हैंड्स वर गिवन यानी क्योंकि अब्दुल कहाँ पे काम कर रहा था, मुर्गी खाने में काम कर रहा था, एक पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था। दी हैंड्स वर गिवन अ न्यू काइंड ऑफ रेशन, यानी कि उनको खाने पीने के लिए एक अलग तरीका, यानी कि अलग कुछ खाने के लिए मिल रहा था।
द बर्ड्स सीम टू बी इन द पिंक ऑफ हेल्थ. पिंक ऑफ हेल्थ यानी कि एकदम फिट एंड फाइन, एकदम फिट एंड फाइन दिख रहे थे वहां के बर्ड्स, यानी बर्ड्स यानी कि क्या हैं. बट नथिंग वॉज स्पेंड फ्रॉम द एम्परर्स वेल्थ, यानी कि कुछ भी एम्परर्स के वेल्थ से, यानी कि एम्परर के पैसों से कुछ भी खर्च नहीं हो रहा था. ठीक है, कुछ भी खर्च नहीं हो रहा था, लेकिन बर्ड फिर भी क्या थे, फिट एंड फाइन थे, और उन्हें एक अलग किस्म का राशन यानी कि खाने पीने के लिए दे रहा था अब्दुल उन्हें. ठीक है, तो यही बात एम्परर को खटका, यानी कि एम्परर सोच में पड़ गए कि हमारे खजाने से तो कुछ पैसा नहीं जा रहा है पोल्ट्री फार्म में, लेकिन फिर भी वहाँ के बर्ड्स कैसे एकदम फिट एंड फाइन है. तो एम्परर कहते हैं, हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ, वाई आर वी स्पेंडिंग सो लिटिल ऑन अवर हैंड्स, यानी कि हम इतना कम कैसे खर्च कर रहे हैं हमारे हैंड्स पे. हैव मोस्ट ऑफ देम डाइड इन द पेंस, यानी कि आधे से आधा तो मर ही जाएंगे. तो वहाँ के जो एम्परर यानी कि किंग के जो मिनिस्टर है, यानी कि जो पीए या जो भी है, वो मिनिस्टर कहते हैं, नो योर मेजेस्टी कि दे आर अलाइव एंड वेल, यानी कि मिनिस्टर क्या कहते हैं, नहीं राजा साहब, वो जिंदा है और अच्छे हैं. द सीक्रेट ऑफ देयर हेल्थ ओनली अब्दुल कैंटल, यानी कि उनकी ये जो फिट एंड फाइन जो है, ये जो सीक्रेट, वो सिर्फ अब्दुल ही कह सकता है इनका सीक्रेट. अब्दुल एंटर्स एंड बोज बिफोर द एम्परर, यानी कि अब्दुल एंटर करता है और एम्परर के सामने झुकता है. ठीक है, बो यानी कि झुकना, इज्जत देना, यहाँ पे लिख देता हूँ, टू गिव रिस्पेक्ट. एम्परर पूछते हैं अब्दुल को, हाउ कम यू स्पेंड सो लिटिल ऑन अवर हैंड्स, हाउ डू यू नरिश देम एट नो एक्सपेंस, यानी कि तुम इतना कम कैसे खर्च करते हो हमारे हैंड्स पे, और इतने अच्छी तरीके से कैसे उन्हें नरिश करते हो बिना कोई खर्च के. तो अब्दुल कहता है, जहा पना योर हम्बल सर्वेंट फीड्स देम वेल, यानी कि आपका जो इज्जतदार सर्वेंट है, नौकर है, वो उन्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाता है. फूड्स फ्रॉम द रॉयल किचन, यानी कि रॉयल किचन, जो रॉयल किचन यानी कि जो किंग के जो किंगडम में जो बनता है, यानी कि उनके महल में जो बनता है, रॉयल यानी कि महल, वहाँ पे जो बनता है, वहाँ के वहीं के किचन से देता है वो खाने के लिए. इफ आई मे टेल, बट ओनली स्कैप्स एंड शेल एंड किचन वेस्ट, यानी कि किचन में जो बच जाता है, जो शेल्स एंड स्कैप्स बच जाता है, वो ही उन्हें खाने के लिए देता है. दैट्स इनफ फॉर दी हैंड्स, यानी कि इतना काफी है हैंड्स के लिए. दे रिलीज दी टेस्ट, रिलीज यानी कि पसंद आना, वो हैंड्स को वो टेस्ट पसंद है. इट्स गुड फॉर देयर हेल्थ, यानी कि उनके हेल्थ के लिए अच्छा है. सी हाउ दे थ्राइव, देखो वो कितने फुर्तीले बन जाते हैं. वेस्ट नॉट वॉन्ट नॉट, दैट्स माई ड्राइव. ड्राइव यानी कि क्या, एफर्ट फॉर अ पर्पस. ठीक है, वो अब्दुल का पर्पस था, क्या पर्पस था, कि उन्हें बिना कोई खर्च के अच्छा खाना पीना दे के उन्हें फिट एंड फाइन रखे. एम्परर कहते हैं, इंटरेस्टिंग यंग मैन, यू सीम टू हैव ब्रेन, यानी कि बहुत ही खूब, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो. वी पुट यू इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी फॉर ऑल योर पेंस, यानी कि मैं अभी तुम्हें लाइब्रेरी का इंचार्ज बनाता हूँ. आप यानी कि अब्दुल ने जो काम किया है, ऑल योर पेन्स यानी कि जो डीड्स, ऑल योर पेन यानी कि डीड्स, डीड्स यानी कि जो काम किए हैं. ठीक है, अब क्या बना देंगे अब्दुल को, इंचार्ज ऑफ लाइब्रेरी. कोरस यानी कि बैकग्राउंड में कहते हैं, ओ नो नॉट अगेन, ओनली अ कीपर ऑफ बुक्स, यानी कि नहीं, सिर्फ एक बुक्स का इंचार्ज, बुक्स का कीपर. एंड ही विश टू बी अ कोर्टियर, यानी कि अब्दुल का क्या ख्वाहिश था, कि वह कोर्टियर बने, एडवाइजर बने किंग का. हाउ सैड ही लुक्स, अब्दुल कितना दुखी है. फिर अब्दुल कहता है, नेवर माइंड, आई लव बुक्स, यानी कि कोई बात नहीं, मुझे बुक्स से प्यार है. आई विल गेट डाउन टू वर्क, यानी कि मैं काम करूँगा. आई विल हैंडल दिस वेल, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से ये काम को संभालूंगा. माई ड्यूटीज आई वोंट श्रिंक, यानी कि मेरी जो ड्यूटीज है उसे मैं अवॉइड नहीं करता. शौक यानी कि शौक है ये, शौक, शौक यानी कि अवॉइड नहीं करूँगा. माई ड्यूटीज आई वोंट शौक, मेरे ड्यूटीज को मैं अवॉइड नहीं करूँगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करूँगा, क्योंकि उसे बुक से प्यार है. आगे बढ़ते दूसरे पार्ट में. आफ्टर वन ईयर
एम्परर इज लुकिंग एट द बुक इन द लाइब्रेरी, यानी एक साल बाद जब अब्दुल को जब ये काम सौंपा गया था, यानी कि लाइब्रेरी का जब इंचार्ज बनाया गया था, उसके एक साल बाद एम्परर लाइब्रेरी में आते हैं और बुक्स को देखते हैं और कहते हैं, एम्परर कहते हैं, व्हाट ऑल दिस बुक्स हैव सच एक्सपेंसिव जैकेट्स, जैकेट्स यानी कि क्या, बुक्स के कवर। यहाँ पे जैकेट्स का यानी कि वो पहनने वाला जैकेट्स नहीं है, यहाँ पे जैकेट का मतलब है बुक्स के कवर, ठीक है। ऑल दिस बुक्स हैव सच एन एक्सपेंसिव जैकेट्स, श्योरली दे हैव कॉस्ट अ फॉर्चून, फॉर्चून यानी कि अलॉट, सिल्क्स ब्रोकेट्स एंड वेलवेट्स। अब एम्परर क्या कहते हैं कि क्या ये बुक्स को इतने एक्सपेंसिव जैकेट्स, इतने एक्सपेंसिव कवर्स लगाए गए हैं, पक्का ये बहुत खर्च हुआ होगा यहाँ पे कवर पे, सिल्क ब्रोकेट्स एंड वेलवेट्स ये फैब्रिक्स के यहाँ पे लगाए गए हैं कवर। सिल्क एक फैब्रिक है, ब्रोकेट भी एक रिच फैब्रिक है जिसे गोल्डन और सिल्वर से धागे से सिलाया जाता है। वेलवेट भी एक फैब्रिक है, कपड़ा है, यानी कि ये जो तीन कपड़े हैं ये बहुत ही रिच है, यानी कि बहुत ही कॉस्ट है ये तीनों कपड़ों के। और क्या कहते हैं, ये तीनों कपड़ों से आपने कवर बनाया है तो बहुत ही खर्च हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो कपड़े हैं बहुत ही हाई क्वालिटी रिच फैब्रिक, यानी हाई क्वालिटी के कपड़े हैं, और इससे इसका कपड़े जैकेट बनाए गए हैं बुक्स के, तो श्योरली बहुत ही खर्च हुआ होगा। तो अब्दुल क्या कहता है, अब्दुल, नो योर मैजेस्टी द एक्सपेंसेस वेर नन, यानी कि नहीं राजा साहब, एक्सपेंस कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एम्परर कहता है, आई कांट बिलीव इट, देन हाउ वॉज इट डन, यानी कि एम्परर कहते हैं अब्दुल को, मैं नहीं मानता, अगर ऐसा ही है तो ये कैसे हो गया इतने कम में बिना कुछ खर्च के। तो अब्दुल कहता है, योर मैजेस्टी, आई ऑब्जर्व दैट द फॉर्मल रिक्वेस्ट वाज सेंट टू यू इन बैग्स मेड ऑफ द फैब्रिक बेस्ट, व्हेन द पेपर वेर रेड द बैग्स वेर डिस्कार्डेड यानी कि वेस्ट, व्हाई द वेस्ट द सिल्क वेलवेट एंड ब्रोकेट आई डिमांडेड, द रॉयल टेलर मेड द जैकेट्स, नथिंग डिड दे टेक, ईच बुक वॉज ड्रेस्ड फॉर योर मैजेस्टीज सेक। यहाँ पे अब्दुल क्या कहता है, नहीं राजा साहब, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि आपको जो छोटी से छोटी रिक्वेस्ट आती है वो बैग में आती है, फैब्रिक के यानी कि फैब्रिक कपड़ों के थैली में आती है, जो भी हाई क्वालिटी के, जो कि एकदम बेस्ट होते हैं, और एक बार आप उसे पढ़ लेने के बाद, यानी कि व्हेन यू रेड द बैग्स वर डिस्कार्डेड, यानी कि उसे फेंक दिया जाता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो व्हाई वेस्ट द सिल्क वेलवेट एंड ब्रोकेट, यानी कि क्यों ये सब कपड़ों को वेस्ट किया जाए, आई डिमांडेड, यानी कि वो क्या अब्दुल क्या कहता है कि इन्हें क्यों वेस्ट किया जाए, मैं इसे यूज करूंगा, द रॉयल टेलर मेड द जैकेट, नथिंग डिड दे टेक, यानी कि जो रॉयल टेलर है वो किंग के, वो ये कवर्स बनाए और उन्होंने कुछ चार्ज भी नहीं किया इसका, ईच बुक्स वेर ड्रेस्ड फॉर योर मैजेस्टी सेक्स, और ये बुक जो ड्रेस्ड है यानी कि जो कवर है वो आपके टेलर से ही बनाए, कुछ भी चार्ज नहीं किया है, ठीक है। एम्परर क्या कहते हैं यहाँ पे, यू हैव अ ग्रेट मेरिट, मेरिट यानी कि काबिल, बहुत काबिलियत, तुम बहुत ही काबिल हो, आई हैड रियलाइज मच अर्लियर, ये मैंने बहुत ही पहले ही रियलाइज कर लिया था कि तुम बहुत ही काबिल हो, मेरिट हो, आई एम हैप्पी टू अनाउंस नाउ यू आर माई कोर्टियर, यानी कि एम्परर खुशी कहते हैं, मैं अब खुश हुई कहने से कि तुम अब मेरे कोर्टियर हो, ठीक है। कोरस में अब कहते हैं, यानी कि बैकग्राउंड में यहाँ पे सॉन्ग बजता है, विट्स ब्रेन्स एंड परसिवरेंस हेल्प्ड अब्दुल अचीव हिज एम, पेशेंस डिटर्मिनेशन वॉन हिम ग्रेट नेम एंड फेम, यानी कि इंटेलिजेंस, अब्दुल कैसे काम करता था, इंटेलिजेंट पर्सन था वो, अपना दिमाग यूज करता था और उसके अंदर बहुत पेशेंस थे, यही हेल्प किया अब्दुल को उसका एम तक पहुंचने के लिए, इंटेलिजेंस ब्रेन्स एंड पेशेंस, यानी कि उसका इंटेलिजेंस, उसका दिमाग और उसके पेशेंस हेल्प किए अब्दुल को उसके एम को अचीव करने के लिए, डिटर्मिनेशन वॉन हिम विद अ ग्रेट नेम एंड फेम। देखो अब ये जो लास्ट वन है, वॉन हिम अ ग्रेट नेम एंड फेम, यानी कि देखो यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है, इट मीन्स ही बिकम अ फेमस पर्सन, फेम यानी कि नाम कमाना, रिच होना, फेम यानी कि नाम कमाना, ठीक है। तो ये वीडियो में हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया, ये चैप्टर नहीं, ये एक प्ले था, ठीक है, जिसमें हमें डायलॉग राइटिंग जैसा दिया था, ये प्ले है,
देखो हमें ये डायलॉग्स दिया है, ये सब डायलॉग्स है एम्परर का, अब्दुल का, उसके फ्रेंड का, उसके फादर के साथ। ठीक है, ये प्ले में हमें चार पार्ट दिया था, तो हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे दूसरे कोई टॉपिक के साथ। ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप रेफर कर लेना आंसर द फॉलोइंग्स के लिए यहाँ पे जो है। ठीक है, तो चलो बाय बाय स्टूडेंट्स।